नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है, जो भी छात्र छात्राएं यानी कि गर्ल्स और बॉयज जो कि वर्ष 2014 से लेकर के 19 के बीच मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं और उन सभी को 10,000 की स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो उन सभी के लिए एक अच्छी खबर है। उन सभी को बिहार सरकार के द्वारा फिर से जो है 10,000 की स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। इनमें से चाहे आप गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, दोनों को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाला है, जो 2014 से लेकर के कि 2014 में जो पास किए हैं 15, 16, 17, 18, 2019 तक जो भी छात्र छात्रा यहाँ पर पास किए इसके बीच में, तो उन सभी को इसका जो है 10,000 का स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो सभी को फिर से स्कॉलरशिप यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आपको इसके लिए किस प्रकार से आवेदन करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, फॉर्म कहाँ जमा करना है, सारी A to Z जानकारी इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे, ताकि जिसको भी इसका लाभ नहीं मिल सका है वो भी इसका लाभ इस योजना का उठा सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे स्टूडेंट थे कि जिसको कि पहले ऑफलाइन तरीके से आवेदन होता था, जिस कारण से बहुत ऐसे स्टूडेंट छूट गए थे और स्कॉलरशिप का भी फायदा भी यहाँ पर नहीं मिला था। तो यहाँ पर जो फिर से सरकार ने जो है ये ऐलान कर दिया है, इन सभी को स्कॉलरशिप 10,000 का देने जा रहा है, स्कॉलरशिप मिलेगा। चलिए हम चलते हैं आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से करना है, किसको किसको मिला है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अखबार की ओर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एक पेपर कटिंग है, इसमें देखिए यहाँ पर क्लियर बताया दिया गया है जो कि 2014 से लेकर के 2015 और 2018 से लेकर 19 सत्रों में यहाँ पर जो भी छात्र छात्राएं यानी कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 की स्कॉलरशिप नहीं ले पाए थे, उन सभी को स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए करीबन जो है ऐसे स्टूडेंट है जो कि 3,071 छात्र छात्राएं ऐसे पाए गए हैं जिसको कि स्कॉलरशिप का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। देखिए यहाँ पर जो है आपको किस प्रकार से इसके लिए आवेदन किया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, बैंक खाते का वितरण भेजने को कहा। यहाँ पर बताया गया कि जिले की मांग पत्र को गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निर्देशक मनोज कुमार ने सभी संबंधित जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लाभ से छूटे बच्चों को यानी कि जिसको कि लाभ नहीं मिल सका था, जो भी 2014 से लेकर के 2019 के बीच में पास किए हैं, इसके बीच में जो भी सेशन में पास किए हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिला है 10,000 का, उन सभी का यहाँ पर जो इन सभी के पास लिस्ट मांगा है, कितना बच्चा छूटा, हर एक जिला के पास लिस्ट मांगा गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि बच्चों का आधार कार्ड, उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड आदि यहाँ पर सूचना एकत्रित करने के लिए शिक्षा पदाधिकारी को जो है निर्देश दिया गया है। ठीक है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया कि विभाग के द्वारा आपके जिले को जो है यहाँ पर राशि आवंटित किए जाते हैं और उनके खाते में जो है DAO कार्यालय द्वारा राशि भेजी जा सके। तो यहाँ पर जो है क्लियर जो है बता दिया गया है कि DAO के कार्यालय से जो है यहाँ पर राशि भेजी जाएगी और ये जो लिस्ट तैयार होगा, जो भी बच्चा छूटा हुआ था वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से तैयार होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पर जो इसको भी स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो उन सभी ये बैंक पासबुक का 6 प्रति ले लें, आधार कार्ड का 6 प्रति ले लें, उसके बाद जो है आपको इन सभी को लेकर के और जो मार्कशीट है आपका जो मैट्रिक का जिस भी सेशन में आपने पास किए हैं उसको फोटोकॉपी कर लेना है, जिला का शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर के जमा कर देना है। उसका जो है जो भी छूटा हुआ है, यदि देखिए इसमें ये कंडीशन और भी आता है, यदि उसके पास पहले से यदि आपने आवेदन किए थे स्कूल में जमा किए थे, तो अगर उसके पास रिकॉर्ड है आपका बैंक खाता वगैरह कुछ है तो वो लिस्ट में नाम चला के आपका भेज देगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर से आप छूट जाएंगे। तो ऐसे में है या नहीं है, तो इतना पुराना का किसके पास रिकॉर्ड होता है, तो बेहतर यही होगा कि आप जाकर के जो है शिक्षा कार्यालय में जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जरूर संपर्क करें और उससे जो है आप फेस टू फेस बात करें कि हमको स्कॉलरशिप नहीं मिला, आप सभी डॉक्यूमेंट के साथ जाएं और 10,000 की स्कॉलरशिप है, 10,000 स्कॉलरशिप का लाभ उठाएं। तो आप सभी के लिए जो है अच्छी खबर है, जिसको कि अभी तक स्कॉलरशिप 10,000 का नहीं मिला था, जो भी मैट्रिक पास लड़का लड़की जो भी थे। तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा लोगों तक जो है इसको पहुंचा दीजिएगा संदेश को, ताकि जो भी यहाँ पर छूटे हुए स्टूडेंट है इस कोरोना काल में उसका हेल्प हो सके। मिलते हैं दोस्तों कोई नए वीडियो नए अपडेट के साथ, देखते रहिए रॉकस्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल।